गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर वन. चैप्टर टाइटल इज प्लांट्स अराउंड अस. दिस इज योर जीके सब्जेक्ट. ओके, माई सेल्फ अस्मी जैदी, आई एम योर इंग्लिश जीके टीचर. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पौधे, वो अलग अलग तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के साइजेस के होते हैं. दे आर ऑफ्टन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेलिकेट और हार्ड स्टेम सेल्स. ये अपनी कठोरता और कोमलता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं. एज यानी कि जैसे हर्ब्स में, शर्ब्स में, क्रीपर्स में एंड ट्रीज में, यानी कि जो उनको बिलोंग करता है वो उस श्रेणी में रखे जाएंगे. जैसे हर्ब, यहाँ आपको पिक्चर्स दी गई. हर्ब क्या होती है? ये होती हैं जड़ी बूटियाँ. जैसे आपने देखा होगा ग्रास, उसमें से भी हमारी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं. मिंट से भी दवाइयाँ बनती हैं. तो ये सब जड़ी बूटियों में आते हैं, यानी कि हर जड़ी बूटी एक तरह से. शर्ब, रोज, ब्रिंजल, ये क्या? शर्ब क्या है? हमारा झाड़ियाँ होती हैं, तो ये सब झाड़ियाँ ही कहलाती हैं. ओके, ये इस कैटेगरी में आएंगी शर्ब की. क्रीपर्स होती हैं लताएँ, यानी कि पीस, ब्रिज गार्ड, तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगी. जो लताएं होंगी वो सारी क्रीपर्स की कैटेगरी में आएंगी. जो शर्ब यानी के जो झाड़ियाँ होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी. जो हर्ब यानी के जड़ी बूटियाँ होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी. नेक्स्ट है आपका ट्रीज, यानी के पेड़. जो पेड़ हैं बड़े बड़े, जैसे बनियान ट्री होता है, सब कुछ, ये सब क्या आएंगे? इसमें ही आएंगे, ट्रीज में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए आप, टिटबिट है यहाँ पर. एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू लेयर ऑफ वुड अराउंड द ट्री. मतलब हर साल पेड़ में एक न्यू लेयर बनता है पेड़ के एक साइड, है ना. वन रिंग ऑफ लेयर इज कम्प्लीट इन अ ईयर. जो एक रिंग होती है वो लेयर की, वो एक साल में कम्प्लीट होती है पूरे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं द एज ऑफ ए ट्री, मतलब पेड़ की उम्र जानना चाहते हैं, कट इट्स ट्रंक, तो इसकी ट्रंक काटनी है एंड काउंट इट्स रिंग, इसकी रिंग्स को गिनना है. यू विल बी एबल टू नो इट्स एज. तो आप क्या समझ जाएंगे कि इस पेड़ की एज कितनी है? किससे पता चलेगा? वहाँ पर उसमें पेड़ में एवरी ईयर एक रिंग बनती है जिससे उसकी एज का हमें पता लग जाता है. अगर हम पेड़ की ट्रंक को काटेंगे तो हम उस रिंग को काउंट कर कर उसकी एज का पता कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व. ऑल्सो रीड दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.